हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इन 1932 एफ हुंड एंड आर एस मुलिकन सजेस्ट दैट द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे इलेक्ट्रॉन्स एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सिंपल शब्दों में एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाता है, एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, तो एटम के स्थान पर हम कह सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाते हैं। इस कॉन्सेप्ट के साइलेंट फीचर्स क्या है। नंबर वन, जैसे आपके एटम में डिफरेंट एनर्जी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ठीक वैसे ही मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव डेफिनेट इनर्जी लेवल। जैसे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ठीक वैसे इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है। आगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। नंबर टू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल। नंबर थर्ड, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू टाइप्स, नंबर वन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सॉरी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल मोर देन टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। नंबर नेक्स्ट, एटम में इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूक्लियस के इफेक्ट में रहते इन्फ्लुएंस होते हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द इलेक्ट्रॉन्स इन्फ्लुएंस मोर देन वन न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड बाय द मोर देन वन न्यूक्लियस। कॉन्सेप्ट को जब एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नंबर सिक्स, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग, कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे बेटे, पाउली हुंड एंड फॉलो अबाउ प्रिंसिपल। तो जो प्रिंसिपल वहां एप्लीकेबल थे, कहां पर, एटॉमिक कॉन्सेप्ट में, कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, ठीक वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलिंग होती है। तो साइलेंट फीचर फिर से देखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव डेफिनेट एनर्जी लेवल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल. मॉलिकुलर ऑर्बिटल टू टाइप, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल से कम होती है. मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है. नंबर नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट मोर देन वन न्यूक्लियाई, उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस के इफेक्ट में रहते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है अकॉर्डिंग पाउली हुंड एंड अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है. दैट इज कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. शॉर्टेंजर के वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो एक इक्वेशन आया था, शॉर्टेंजर वेव इक्वेशन. शॉर्टेंजर वेव इक्वेशन को मल्टी एटम मॉलिक्यूल्स के लिए सॉल्व किया तो एक बहुत डिफिकल्ट सॉल्यूशन आने लगे. तो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को, मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को फ्रॉम द एटम एक्सप्लेन करने के लिए भाई कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, एक न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. क्या नाम दिया गया? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. तो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे कंबाइन होकर मॉलिकुलर ऑर्बिटल को फॉर्म करते हैं, इट एक्सप्लेन बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. अकॉर्डिंग वेव कॉन्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन अ वेव नेचर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज अ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड साइन इज अ प्लस फॉर अपवर्ड, फॉर डाउनवर्ड साइन इज अ नेगेटिव. अकॉर्डिंग ड्यूअल नेचर ऑफ एटम द एटॉमिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट बाई द सन इज कॉल्ड एटोमिक ऑर्बिटल. सिंपल एग्जाम्पल, टू एटम एच ए एंड एच बी, हाइड्रोजन का ए एटम हाइड्रोजन का बी एटम कंबाइन एंड फॉर्म इज एच टू मॉलिक्यूल्स. हाइड्रोजन का ए एटम, इसमें क्या होगा? एटोमिक ऑर्बिटल होंगे. बी एटम हाइड्रोजन का, उसमें क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे. तो हम कहते हैं एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. अब क्या कहेंगे भाई, एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं. तो हम कहेंगे एटम ने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाते हैं. द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ए एटम कंबाइन विद एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी हाइड्रोजन एटम एंड फॉर्म इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. नंबर टू, द एटॉमिक ऑर्बिटल अकॉर्डिंग वेव कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन वाई द साइन. साइन इज अ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट आर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट. फॉर हाइड्रोजन ए एटम साइन ए, दिस इज अ साइन ए मींस ए एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल. सेकंड कौन सा लिया आपने? बी एटम ऑफ हाइड्रोजन. साइन बी इज रिप्रेजेंट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी एटम. एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी एटम साइन ए रिप्रेजेंट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए एटम. साइन बी रिप्रेजेंट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी एटम साइन ए. सेकंड, दूसरा भी है ना भाई, कौन सा है? साइन वी. दिस इज ऑल्सो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, प्लस वैल्यू एंड माइनस सिंबल. And y sin v atomic orbital of b atom. The wave on the face means दो wave आपस में मिल जाएंगे. It is called constructive interference of wave. Physics के concept है ना,
कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव. साइन ए एंड साइन बी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए एंड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी इज कंबाइन एंड फॉर्म इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल इफ द वेव ऑन द फेस दैन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड प्लस प्लस वैल्यू इज कंबाइंड देन द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दिस इज एम्पलीट्यूड इज सम ऑफ किसका सम है साइन ए प्लस साइन बी बिकॉज दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव आर कॉल्ड एडिशन ऑफ वेव. इसमें क्या होगा द एटम इन सॉरी इन मॉलिक्यूल्स दिस इज द एटम ए न्यूक्लियस बी एटम न्यूक्लियस एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ टू डिफरेंट हाइड्रोजन एटम. इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कहाँ पाए जाएंगे दो न्यूक्लियाई के बीच में पाए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव आर एडिशन ऑफ वेव. That amplitude of molecular orbital sum of the sin A plus sin B. This is a plus sign and downward displacement of molecular orbital represented by the negative sign. According to Schrödinger wave equation, amplitude not have the physical significance. तो किसका physical significance होता है? According to light concept, intensity have the physical significance and according Schrödinger wave equation sin square is called probability of finding of the electron in a given volume. इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एक निश्चित क्षेत्र में किससे रिप्रेजेंट की जाती है sin square से. Then sin square equal to sin a plus sin v का होल स्क्वायर इक्वल है ना भाई. साइन स्क्वायर क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर वी प्लस टू साइन ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर. It means during the constructive wave interference or addition of the wave, sin square means probability of the finding of the electrons in a molecular orbital. Sin square m na? Probability of the finding of the electrons in molecular orbital is किससे ज्यादा है sin square a क्या है probability of the finding of the electrons in a A एटॉमिक ऑर्बिटल. साइन स्क्वायर बी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ बी एटम. तो इसको जोड़ दें इसकी वैल्यू क्या इक्वल है नहीं है कितनी ज्यादा है कितनी ज्यादा है टू साइन ए साइन बी. क्या मीन्स निकला द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन गिवन मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज मोर देन टू सम ऑफ फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर कितनी ज्यादा है प्लस टू साइन ए प्लस साइन टू साइन ए इंटू साइन बी. फिर से बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज मोर देन टू टू साइन ए साइन बी कंपेयर टू सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सम ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल साइन ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर कितनी ज्यादा है टू साइन ए बी. देन
दिस इज फेवर टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग प्रोसेस. ये जो आपका कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रहा है, एडिशन ऑफ वेव ओवरलैपिंग हो रहा है, ये बॉन्डिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा. देन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल. क्या मीन्स निकला? इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 2 साई ए बी कंपेयर टू सम ऑफ द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इन साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर. देन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल वाई द कंस्ट्रक्टिव आर एडिशन वेव इंटरफ्रेंस. दूसरा कौन सा होता है? चलते हैं. सेकेंड टाइप, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस. साई ए रिप्रेजेंट ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल ऑफ एच ए, साई बी रिप्रेजेंट ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल ऑफ साई बी. एटम कंबाइन एंड फॉर्म द मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटोमिक ऑर्बिटल. एटोमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड फॉर्म इज मॉलिकुलर ऑर्बिटल. मॉलिकुलर ऑर्बिटल टू टाइप, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, सेकेंड इज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल. फर्स्ट कौन सा हो गया था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव. सेकंड इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव. इसका मींस क्या है? चलते हैं आगे. साइन ए एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए एटम, साइन बी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी एटम. अकॉर्डिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड फॉर्म इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. द टू वेव कम टू क्लोज. इसका मींस हम सिंपल बोल दें, दो एटॉमिक ऑर्बिटल पास में आ रहे हैं एंड वेव आउट ऑफ द फेस. What is the means of the out of wave, out of the phase? यानी जब वेव आ रही है तो उनके जो एम्पलीट्यूड है, एक का प्लस दूसरे का माइनस, आउट ऑफ द फेस है जब इनका इंटरफ्रेंस होगा, जब ये मिलेगी तो इसका प्लस इसका माइनस इसका माइनस इसका प्लस. क्योंकि आपने क्या कहा? ऑन द फेस नहीं, आउट ऑफ द फेस. देन एम्पलीट्यूड ऑफ ईच अदर कैंसिल टू ईच, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कैंसिल टू ईच अदर. वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसकी प्लस वैल्यू इसकी माइनस वैल्यू को कैंसिल कर देगी, इसकी प्लस वैल्यू ये माइनस वैल्यू को कैंसिल कर देगी, या माइनस वैल्यू प्लस को कैंसिल कर देगी, इसकी माइनस वैल्यू इसकी प्लस वैल्यू को कैंसिल कर देगी. एंड इट इज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. इसका मीन्स क्या है? द एम्पलीट्यूड ऑफ टू एटोमिक ऑर्बिटल कैंसिल टू ईच अदर, दोनों के एम्पलीट्यूड कैंसिल हो गए. दैट इज कॉल्ड वेव आउट ऑफ द फेस. एंड दिस टाइप इज कॉल्ड सबट्रैक्शंस ऑफ द वेव आर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस. क्या हो रहा है? प्लस माइनस. देन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं? साइन ए माइनस साइन बी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सबट्रैक्शंस कर रहे हैं. वेव आउट ऑफ द फेस है. सेकेंड क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव का मींस क्या होता है? विनाश कर देना, एक दूसरे को खत्म कर देना. तो ये प्लस वैल्यू इसकी माइनस वैल्यू, ये माइनस वैल्यू इसकी प्लस वैल्यू, क्या करेगी? कैंसिल टू ईच अदर. देन द स्ट्रेट लाइन इज अपीयर. सेकेंड, साइन ए रिप्रेजेंट ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल ऑफ ए एटम, साइन बी रिप्रेजेंट एटोमिक ऑर्बिटल ऑफ बी एटम, एंड साइन रिप्रेजेंट मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साइन ए एंड साइन बी एम्पलीट्यूड. What sign not have the physical significance? किसका होता है? किसका होता है? साइन स्क्वायर का. साइन स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इन अ गिवन वॉल्यूम. एक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है? और केवल साइन क्या है? साइन तो एम्पलीट्यूड है. एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है. साइन स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है साइन स्क्वायर का? तो साइन स्क्वायर रिप्रेजेंट द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन वॉल्यूम. तो हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा. इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन ए स्क्वायर प्लस साइन वी स्क्वायर माइनस टू साइन ए साइन बी. क्या था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था. किसका? साइन ए प्लस साइन ए माइनस साइन वी. फिर इसके बाद आगे चले थे. इसका मींस है, अगर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कैंसिल वेव फंक्शन से आर
सब पैक्सल्स वेव फंक्शन से जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स किससे कम है, इन दोनों को जोड़ दो वो कितना कम है, -2 साई है। अरे यार मजाक, इसका मींस है द साई स्क्वायर इज लेस देन 2 साई ए बी किससे, सम ऑफ द साइन स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर। अरे क्या मीन्स निकला, सिंपल सा मीन्स है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर मॉलिकुलर ऑर्बिटल लेस देन 2 साइन ए बी किससे, द सम ऑफ द साइन स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर। अरे भाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना है उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना किससे कम है, इन दोनों को जोड़ दे उससे कम है, कितनी कम है, -2 साइन ए साइन बी कम है। क्या मीन्स निकला, इसका मीन्स निकला द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम। क्यों, क्योंकि इसके सम से साइन स्क्वायर ए क्या है, फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी इन अ ए एटॉमिक ऑर्बिटल, साइन स्क्वायर बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ बी एटम, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी कम है, साइन स्क्वायर मॉलिकुलर ऑर्बिटल की। यानी ये बॉन्ड प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है, यानी उसका अपोज कर रहा है, तो इसको क्या नाम देंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। क्या नाम देंगे इसको, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। कैसे फॉर्म हुआ, वाई द डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस ऑफ वेव आर subtractions of the wave function are cancelled to each other amplitude of atomic orbital। तो देखो यहाँ पर ये दो न्यूक्लियस हैं बेटा, इस लाइन को सुना, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, ये दो न्यूक्लियस हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव साइन है, वैल्यू एक अलग चीज होती है, मीन्स अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, टू न्यूक्लियस टू ईच बिल्कुल एक इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एक दूसरे के सामने आ गए, एंड न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज रिपल टू ईच अदर, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, जब रिपल्जन होगा तब क्या होता है, अट्रैक्शन में एनर्जी घटती है, रिपल्जन में एनर्जी बढ़ जाती है, दैट एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैव मोर एनर्जी लेवल कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। कहां से क्लियर हुआ, बिकॉज द टू न्यूक्लियाई कम टू फ्रंट ईच अदर, दो न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने आ गए, उनके प्रोटॉन्स में रिपल्जन होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी और एक नोडल बन गया, वेयर इज द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट जीरो। ये ऐसा वॉल्यूम एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना लगभग जीरो है। इसका मींस है कि बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस से रिपल्जन हो रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्जन हो रहा है, उस रिपल्जन से उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। देन अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल इज मोर देन टू बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल ड्यू टू क्या, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ऑलमोस्ट जीरो है, न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने आ गए, प्रोटॉन इज अ रिपेल टू ईच अदर, एनर्जी लेवल इज स्लाइटली इंक्रीज, किससे ज्यादा, एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा, और किससे कम, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम। कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, s इज अ स्फेरिकल, सेकेंड इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड एटम, मान लेते हैं दोनों हाइड्रोजन है, सेकेंड साइन ए एंड साइन वी, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड फॉर्म इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टू टाइप, वन इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस ऑफ वेव, इंटरफ्रेंस ऑफ वेव, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस ऑफ वेव द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बिटवीन टू न्यूक्लियाई एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल।
इसका मींस है दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव एंड फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई। इसका मींस है कि जहां बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है तो इसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, कम होगी। किससे कम हो जाएगी? अरे भाई, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है वो इस दो न्यूक्लियस के बीच में है, ज़्यादा इंट्रैक्ट हो रहा है, तो इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होगी दोनों को सम करने के बाद। नंबर टू, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होगा? That is the reason where is the finding electrons probability almost is a zero. That is the nodal plane where is the finding of electrons probability almost is a zero. Then is called anti-bonding molecular orbital. अब bonding और anti-bonding molecular orbital को represent करना है, दोनों को ऐसे लिखेंगे sign BMO लिख सकते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको फिर लिखना पड़ेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कैसे डिफरेंस करें? अरे बहुत सिंपल है, साइन MO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, साइन स्टार MO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो डिफरेंस हो गया, साइन लिख दिया, इसका मीन्स है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, साइन स्टार MO लिख दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब क्या हुए, दो प्रकार के कॉन्सेप्ट बनना, दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बने, एक बॉन्डिंग है एक एंटी बॉन्डिंग है। मींस क्या है, टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड फॉर्म इज अ टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल, वन इज अ लो एनर्जी लेवल इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, सेकेंड इज अ हाई एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। सेकेंड पॉइंट, द नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल। सेकेंड पॉइंट, अब जब ये आपके दो एटोमिक ऑर्बिटल पास पास आते हैं तो इनका कैसे ओवरलैपिंग होता है, ऑन द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियस पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? अरे भाई सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नंबर टू, यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, हेड टू हेड हेड ऑन ओवरलैपिंग है तो कौन सा बनेगा, सिग्मा ही बनेगा। तो कौन, ये तो बॉन्डिंग के लिए है, तो एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या करें, स्टार लगा दें। नंबर टू, सेकंड पॉइंट क्या है, अरे साइन ये क्या है, मान लेते हाइड्रोजन है तो 1s होगा, ये भी हाइड्रोजन है तो 1s होगा, तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए एटम, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी एटम कंबाइन एंड फॉर्म इज अ टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल, वन इज अ लो एनर्जी लेवल इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। कैसे रिप्रेजेंट कर दें, साइन सिग्मा 1s से साइन को रिप्लेस कर दिया। अब दूसरा कौन सा बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल किसके कॉम्बिनेशन से बना, 1s प्लस 1s, तो इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार 1s, यानी 1s क्या है भाई, मॉलिकुलर ऑर्बिटल किससे बन रहे हैं, 1s से बन रहे हैं, तो लिखा सिग्मा 1s। ये किससे बना है, एंटी बॉन्डिंग, ये भी 1s से बना है, तो क्या लिखा सिग्मा स्टार 1s। अगर 2s होता ये भी 2s होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी लेवल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड फॉर्म इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर ये 2s है ये 2s है तो यहां क्या लिखेंगे, सिग्मा 2s लिखेंगे। अगर ये 2s है ये भी 2s है, यहां क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार 2s लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पी सब सेल हैव द थ्री एटॉमिक ऑर्बिटल px py pz, कौन से लोग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर होते हैं pz के, तो pz क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। pz के टू लोग कहां होते हैं, ऑन द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो हेड टू हेड हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। px py एटॉमिक ऑर्बिटल के लोग कहां होते हैं, परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं, तो कैसे होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, लेटरल ओवरलैपिंग होगी, कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। पी एक्स पी वाई एटॉमिक ऑर्बिटल अकॉर्डिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इट फॉर्म ऑलवेज पाई बॉन्ड, बट
सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म वाई द पी जेड बिकॉज वॉथ लॉ ऑन द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बट पी एक्स पी वाई लॉ परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. क्लियर? सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? पी जेड एटोमिक ऑर्बिटल. पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल कौन बनाएंगे? पी एक्स एंड पी वाई एटोमिक ऑर्बिटल. लीनियर कॉम्बिनेशन का एक सिंपल कॉन्सेप्ट, पी एक्स किससे मिलेगा? पी एक्स से. पी वाई किससे ओवरलैप करेगा? पी वाई से. पी जेड किससे करेगा? पी जेड से करेगा. थैंक यू.